असलम तो आज हम अपनी ग्रेड फाइव की इंग्लिश की बुक का लेसन टू पढ़ेंगे वर्ड इन अ वाल ये कहानी एक बच्चे के बारे में है जिसका नाम है जीरो डूरल तो जब मैं आप लोगों को ये एक्सप्लन करूँगी आप लोगों को इतनी जल्दी समझ में आ जाएगा ये लेसन फिर आप लोग इसकी एक्सरसाइज खुद कर सकते हैं यानी मैं भी आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बताऊँगी यानी सारा बता दूँगी थोड़ा अब तो हम कहानी को स्टार्ट करते हैं एक बच्चा था जिसका नाम था जुराल जुरल तो ये तो ये अपनी मम्मा और अपने बड़े भाइयों के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुए थे और ग्रीस में, यानी एक मुल्क का नाम है वहाँ पर शिफ्ट हुए थे तो फिर उनके घर के सामने एक गार्डन था जिसमें एक पुरानी सी दीवार थी बहुत टूटी फूटी थी उधर एनिमल्स उधर बहुत सारे एनिमल्स थे जैसे कि रात को शिकार करने वाले एनिमल मेंढक और जेकोस और दिन में शिकार करने वाले एनिमल मक्या और चुनचा वगैरह और, और भी थे लेकिन जो उसका फेवरेट जानवर था यानी एनिमल्स था वो काले बिच्छू थे मुझे तो काले बिच्छुओं से बहुत डर लगता है पता नहीं उसे डर नहीं लगता होगा तो फिर ऐसा हुआ कि उसने एक दिन ऐसे किया कि वो तो कह रहा था चुप चुप के, के मैं ना इनको एक दिन पकडूंगा और घर लेके जाऊंगा यानी घर लेके इनके साथ जिंदगी गुजारूंगा तो इनके मम बाबा को तो पता ही नहीं था यानी घर वालों को तो पता ही नहीं था कि ये ऐसे काम करेगा फिर अगले दिन इसी तरह ही हुआ इसने माचिस की डब्बी ली और उसमें ये काले बिच्छू बंद कर दिए और फिर इसे घर ले आया और किचन में अलमारी के ऊपर रख दिया तो फिर ये भूल गया था और ये लंच करने लग गया था अपनी फैमिली के साथ और फिर ऐसा हुआ कि ये जब लंच करने लग गया तो लंच खत्म हो गया यानी फिनिश हो गया फिर जब इसका बाइक चला गया माचिस की डब्बी उठाने तो उसे जैसे ही खोला तो उसके अंदर से काले बिच्छू आ रहे थे उन्हें जल्दी जल्दी बंद किया और उसे पहन दिया वो बहुत डर गया था उसके घर वाले भी परेशान हो गए थे उन्होंने उसे मारना शुरू कर दिया वाले बच्चों को और जो बच्चा था यानी जिराल ड्यूरल उसने जल्दी जल्दी उन्हें बचाना शुरू कर दिया अपने फैमिली यानी अपने घर वालों से तो उसने फिर से उसे मचिश की डब्बी में बंद करके उन्हें वापस से उसी दीवार पे छोड़ दिया और फिर उसकी मम्मा ने उसे कहा कि बेटा आप तो ये बहुत बुरा काम कर रहे हो ऐसा आपने नहीं करना फिर से ये तो बहुत खतरनाक जानवर है तो फिर इसकी मम्मा ने ए, सोचा कि ये तो, ओ, क्यों ये ऐसी तरह हरकतें कर रहा है उसकी मम्मा ने कहा कि ये तो इस इसमें तालीम की कमी है इसकी मम्मा ने इसके लिए ट्यूटर रखा फिर ये समझ गया इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमें खतरनाक जानवरों के साथ नहीं खेलना चाहिए जो पालने वाले जानवर होते हैं उनके साथ खेलना चाहिए तो शुक्रिया मिलते हैं अगली वीडियो में